नमस्ते साथियों, सत्र 2023-24 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को क्या क्या पढ़ाना होगा इस वीडियो में चर्चा करते हैं। मेरे हाथ में राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र है 21 अप्रैल का, जिसमें अकादमिक कैलेंडर जारी किया गया है। बताया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों को क्या क्या पढ़ाना होगा और किस तरह से अध्यापन कार्य होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सत्र 2023-24 का अकादमिक कैलेंडर, जिसमें जो मुख्य गतिविधियां उनके बारे में यहाँ जो बताया गया है उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिखकर रखा है कि 16 जून से 14 अगस्त तक, 16 जून को सत्र जो कक्षाएं हैं वो प्रारंभ हो जाएंगी, मतलब ग्रीष्म का अवकाश जो है वो समाप्त हो जाएगा और कक्षाएं प्रारंभ जब हो जाएंगी तो उस समय दक्षता उन्नयन वर्कबुक पर कार्य होगा कक्षा 4 से कक्षा 8 तक। कक्षा 1, 2, 3 में जो दक्षता उन्नयन वर्कबुक है उस पर कार्य नहीं होगा, जैसा कि इसमें बताया गया है। अभी आगे हम चर्चा भी करेंगे। और आगे है अगस्त 2023 से सत्रांत तक, यानी जो अगस्त माह है उसके बाद से सत्र के अंत तक, जब तक हमारा सत्र चलेगा तब तक एक नेट अभ्यास पुस्तिका पर कार्य नियमित कक्षा शिक्षण के साथ। तो ये दोनों जो मुख्य जानकारियां हैं यहां पर दी गई हैं, इनके बारे में बताया। तो अगस्त माह से एक ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं पर कार्य प्रारंभ होगा, परंतु किस तरीके से होगा इस बारे में यहां दिया गया है, आगे हम चर्चा करेंगे। केवल एट ग्रेड को ही नहीं पढ़ाना है, मुख्य रूप से हमें पाठ्य पुस्तकों का अध्यापन कराना है और इसको एक सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग करना है। नियमित कक्षा शिक्षण के साथ इसका उपयोग किया जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षता उन्नयन की वर्कबुक और एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के उपयोग के संदर्भ में जानकारी दे दी गई है। दक्षता उन्नयन की जो वर्कबुक है वो 16 जून से 14 अगस्त तक उस पर कार्य होगा, उसके बाद कार्य नहीं होगा, और कक्षा 4 से 8 तक के लिए। एक ग्रेड पर अगस्त माह से कार्य प्रारंभ होगा और सत्र के अंत तक चलेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ जो पत्र में मुख्य बिंदु दिए गए हैं उस पर चर्चा करते हैं। 3.1 बिंदु दिया गया है कि कक्षा 1 से 3 हेतु पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ समायोजित मिशन अंकुर की अभ्यास पुस्तिकाओं का उपयोग किया जाए। FLN प्रशिक्षण में रखी गई पेडागॉजी का उपयोग करते हुए शिक्षक संदर्शिका में वर्णित पाठ योजनाओं के अनुसार शिक्षण कार्य कराएं। यह विशेष सावधानी रखी जाए कि केवल मिशन अंकुर अंतर्गत FLN प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक ही कक्षा 1 एवं 2 में अध्यापन कार्य कराएंगे। कक्षा 3 हेतु पृथक से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला बिंदु है इसमें कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 3 के अध्यापन से संबंधित जानकारी दी गई है। FLN जैसा कि विगत वर्ष में भी संचालित रहा है, ठीक है। तो इसमें जो पेडागॉजिकल जो सामग्री है उसका उपयोग करना है और वे ही शिक्षक पढ़ाएंगे जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है कक्षा 1 और 2 का। और कक्षा 3 के लिए जिन शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त होगा वे ही शिक्षक उसमें पढ़ाएंगे। तो ये कक्षा 1 से 3 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके अध्यापन के लिए यहाँ जानकारी दी गई है। जो शिक्षक संदर्शिका है उसका उपयोग करना है, साथ ही जो अभ्यासिकाएं विद्यार्थियों को प्राप्त हुई है उस पर कार्य कराना है, ठीक है। अगला जो बिंदु है वो ये है कि विद्या प्रवेश, और ये कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए है। जानकारी यहाँ दी गई है कि यह कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 माह का खेल आधारित कार्यक्रम है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा में प्रवेश के लिए तैयार किया जाएगा। यह शाला तैयारी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है, जिसमें कक्षा 1 की वर्कबुक में पहले 12 सप्ताह के लिए दी गई गतिविधियों के माध्यम से अक्षर, ध्वनि, शब्द, रंग, आकार, संख्या आदि के पूर्व की अवधारणाओं से बच्चों को परिचित कराया जाएगा। इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने में अभिभावक का भी योगदान लिया जाए। इसका समावेश मिशन अंकुर की अभ्यास पुस्तिकाओं में किया गया है। तो यहाँ जो विद्या प्रवेश कार्यक्रम है ये कक्षा 1 में दर्ज होने वाले विद्यार्थियों के लिए है और ये 3 माह तक के लिए रहेगा। इसमें विद्यार्थियों को खेल खेल में ही सिखाना है, जैसा कि यहाँ बताया खेल आधारित कार्यक्रम रखे गए हैं, ठीक है। इनको मिला के शाला तैयारी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है और जो 12 सप्ताह है, 12 सप्ताह था 3 माह तक,
ये गतिविधियां संचालित होगी। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को अक्षर, ध्वनि, शब्द, रंग, संख्याओं के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है वो दी जाएगी, ठीक है। और सारा जो प्रोग्राम है वो खेल खेल में होगा, और जो जानकारी है आप कक्षा एक की अभ्यास पुस्तिकाएं देखेंगे तो उसमें स्कूल रेडिनेस के अंतर्गत बहुत ही सुंदर सुंदर गतिविधियां दी गई हैं, मजेदार गतिविधियां दी गई हैं। आप कराएंगे तो निश्चित रूप से कक्षा एक के विद्यार्थियों को आनंद भी मिलेगा और वे स्कूल की ओर अग्रसर होंगे और कुल मिला के स्कूल से उनका लगाव बढ़ेगा। अगला बिंदु है कि कक्षा एक दो तीन से पांच एवं कक्षा छह से आठ के लिए जून माह में सर्वप्रथम छात्रों द्वारा ग्रीष्मावकाश में उपयोग की गई प्रयास अभ्यास पुस्तिकाओं की जांच की जाए तथा उनमें दिए गए प्रोजेक्ट गतिविधियों की कक्षा में चर्चा करते हुए छात्रों के अनुभवों को साझा किया जाए। यह कार्य अधिकतम 8 से 10 में पूर्ण कर लिया जावे। देखिए यहां पर स्पष्ट किया गया है कि जो प्रयास अभ्यास पुस्तिकाएं बच्चों को ग्रीष्म काल में दिया जाना है तो इन पर विद्यार्थियों ने क्या कार्य किया है उसकी जांच करना है, प्रोजेक्ट है जो गतिविधियां है उस पर चर्चा करना है और यह अधिकतम जो 8 से 10 दिवस में इसको पूर्ण कर लिया जाए, ऐसा यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है। अगला जो बिंदु है, जून के अंतिम सप्ताह में दक्षता उन्नयन हेतु विगत वर्षों की भांति बेसलाइन टेस्ट आयोजित करें। यानी पिछले वर्षों में जिस तरह से बेसलाइन टेस्ट आयोजित किया गया उसी तरह का बेसलाइन टेस्ट आयोजित करना है और टेस्ट के परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों को अंकुर और तरुण समूह में बांटकर जुलाई से लेकर के 14 अगस्त तक दक्षता उन्नयन की यथोचित वर्षित पर कार्य करावे। बेसलाइन जब टेस्ट हो जाएगा तो विद्यार्थी निश्चित तौर से अंकुर समूह और तरुण समूह में बट जाएंगे और फिर उनको 14 अगस्त तक अभ्यास कराना है ताकि जो अंकुर समूह के विद्यार्थी तरुण में आ सके, ठीक है। और इसमें जो उचित वर्षित है उनका उपयोग करना है यह कहा गया है और इसी के अंतर्गत जो है यहां बिंदु दिया गया है कि कक्षागत दक्षताएं पूर्ण करने वाले तरुण समूह में छात्रों द्वारा अंकुर समूह के छात्रों के सहयोग अर्थात पीयर लर्निंग प्रदान करने हेतु प्रेरित करें। यानी तरुण समूह के जो बच्चे हैं विद्यार्थी हैं उनका अंकुर समूह के जो बच्चे हैं उनको उनके सहयोग के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। अगला बिंदु है 14 अगस्त 2023 तक केवल दक्षता उन्नयन पर ही पूर्णकालिक कार्य किया जाए जिससे सभी छात्रों में भाषा एवं गणित की मूलभूत दक्षताओं का विकास हो सके। यहां एक बात ध्यान रखने की यह है कि 14 अगस्त तक जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन पर काम नहीं करना है, पूर्णतः दक्षता उन्नयन की जो अभ्यासिका हैं उन्हीं पर कार्य करना है। यहां स्पष्ट कर दिया गया है पूर्णकालिक कार्य, यानी जो पाठ्य पुस्तकें हैं या एड ग्रेड है इस पर कार्य नहीं करना है, केवल दक्षता उन्नयन की पाठ्य पुस्तकों पर कार्य करना है। अगला बिंदु है जिन विद्यार्थियों द्वारा तरुण समूह की दक्षताओं को प्राप्त कर लेते हैं उनके उन्नयन हेतु अग्रिम गतिविधियों में संलग्न करें। तो ये यहां पर ये बिंदु दिए गए हैं 3। इसके पश्चात जो अगला बिंदु है 16 अगस्त 2023 के बाद क्या करना है उसके बारे में बताया गया है कि 16 अगस्त 2023 के पश्चात एड ग्रेड यानी वर्तमान कक्षा जिस कक्षा में विद्यार्थी है, ठीक है, तो उसमें इसके बाद देखो 14 अगस्त के बाद में जो दक्षता उन्नयन कार्यक्रम है वो बंद हो जाएगा। इसमें जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी कक्षाओं के अनुसार फिर अध्ययन करेंगे और अध्यापन कराना है। तो 16 अगस्त 2023 के पश्चात एड ग्रेड जो वर्तमान कक्षा है उसका शिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक के पाठ शिक्षण के बाद दिए गए अभ्यास कार्य करने के पश्चात एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं का उपयोग सहायक सामग्री के रूप में किया जाए। यहां स्पष्ट कर दिया गया है, ये बहुत ध्यान से रखने वाली बात है कि जो एड ग्रेड की अभ्यास पुस्तिकाएं हैं उनको सहायक सामग्री के रूप में ही प्रयोग करना है। मुख्य रूप से पाठ्यक्रम जो दिया गया पाठ्य पुस्तक दी गई है उसके पाठों को पढ़ाना है और पाठों को पढ़ाने के पश्चात एड ग्रेड में जो जानकारी दी गई है, जो प्रश्न दिए गए हैं, जो अवधारणाएं दी गई हैं, उन पर कार्य कराना है। यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है। इसी के अंतर्गत कहा गया है अगले बिंदु में कि अभ्यास पुस्तिकाओं में पाठ की पूर्व तैयारी के रूप में पाठ की मुख्य अवधारणा की समझ हेतु
आवश्यक जानकारी दी गई है, इसका उपयोग पाठ प्रारंभ करने के पूर्व अवश्य किया जाए। यानी एट ग्रेड जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं उसमें पाठ प्रारंभ करने के पूर्व पाठ की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य समझ है, इसके अंदर दिया गया है। तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले इस पर कार्य किया जाना आवश्यक है, ऐसा यहां पर कहा गया। और इसी के अंतर्गत कहा गया है कि एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं अंतर्गत समाहित प्रोजेक्ट कार्यों में से कुछ प्रोजेक्ट प्रत्येक माह छात्रों से प्राप्त कर उनका मूल्यांकन करते हुए छात्रों को उनके द्वारा की गई त्रुटियों से अवगत कराएं, इससे प्रोजेक्ट कार्य की गंभीरता बनी रहेगी। यहां स्पष्ट किया गया है कि जो प्रोजेक्ट वर्क हैं, प्रत्येक माह में छात्रों से उनसे प्राप्त करें, फिर उनका मूल्यांकन करें, बच्चों ने कहां त्रुटियां की हैं, कहां गलतियां की हैं, उनसे उनको अवगत कराएं। इससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट कार्य जो गंभीरता है कि जो जो सत्र के अंत में परीक्षा के साथ जब विद्यार्थियों का जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसकी गंभीरता बनी रहे, इसे तो ये करवाना आवश्यक है। तो इस तरह से ये बिंदु दिए गए हैं और कहा गया है कि उपरोक्त अनुसार अकादमिक सत्र संचालन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो इस पत्र में जो जानकारी दी गई है बिंदुवार मैंने बताने का प्रयास किया है कि अगले सत्र में किस तरह से कार्यक्रम का संचालन होगा। साथियों यदि किसी विशेष बिंदु पर फोकस करना है तो उस पर भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जैसे कि विद्या प्रवेश से मान लिया जाए, ठीक है, स्कूल रेडीनेस की गतिविधियां, इस पर हम वीडियो बना सकते हैं, या अन्य जो बिंदु हैं जहां पर हमारे शिक्षक साथियों को कठिनाई हो सकती है उस पर हम वीडियो तैयार करके प्रेषित कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के बस इतना ही, मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।